रामचंद्र की नाग है भैया, जयकारा कम लग रही है। बोले वीर बजरंग बली की बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनूपपुर जनपद के मुख्यालय के पावन धरा बदरा के पावन प्रांगण को मैं प्रणाम करता हूं, और आज मध्य प्रदेश सरकार के धर्मस्य धर्म जागरण का जो एक कार्यक्रम है और समरसता का जो एक मूल मंत्र है, जिसके उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई बनवासी लीला। बनवासी लीला में हम आज इतने बैठ करके हमें इतना प्रसन्नता हुई और इतनी ज्ञान मिला कि शायद हम लोग कुछ बातों को नहीं समझ पा रहे थे। ये भीलनी जो है, शबरी जो है, एक भीलनी परिवार से रही है और उन्होंने इतनी भक्ति करी, जिस भक्ति के कारण भगवान रामचंद्र जी को उनके पास जाकर के दर्शन भी देना पड़ा और दर्शन देकर के उनके झूठे बैर भी भगवान को खाना पड़ा। इससे यह हमको उपदेश मिला कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान रामचंद्र जी की भक्ति करे, भगवान विष्णु की भक्ति करे, आराध्य देव किसी भी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के आधार पर जो देवी 33 कोट के देवी देवताएं हैं, उन देवताओं का पूजन करे, भक्ति करे, उससे शक्ति मिलता है और शक्ति के साथ जीवन में उद्धार होता है। ये हम सब लोगों को आज इस लीला से उपदेश मिला, ज्ञान मिला। निश्चित तौर पे हम लोगों को भी दूसरा ज्ञान एक ये भी मिला कि भीलनी को ऋषि मुनियों ने जिस सरोवर में स्नान करने से मना कर दिया, वह सरोवर का जल जो है दूषित हो गया। तो इससे इस बात का भी हमको ज्ञान मिला कि सरोवर जो होता है वो सभी के लिए होता है, उसमें सबका निस्तार होता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो। हम सब भारत के वासी हैं, सब भारत माता के संतान हैं, अर्थात हम सब भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं, इसलिए सभी को उस जल में निस्तार करने का भी अधिकार है और सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए। इस बात का भी हम लोगों को ज्ञान मिला आज के इस अवसर पर जो हमारे जनपद